अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको मैं सारा दिन डिफरेंट मार्केट्स में जाते हुए विजिट करते हुए नज़र आऊँगी। और हमारे एरिया के साथ एक और एरिया है, वहाँ पे लगी हुई है आज स्टड मार्ट, तो वहाँ पे भी मैं जा रही हूँ। उधर से मैं देखती हूँ, अगर कुछ मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। और जितना मैं अभी फ्रेश जा रही हूँ जिस एनर्जी के साथ आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो देखते हैं कि जब मैं वापस आऊँगी तो यही एनर्जी बरकरार होती है या फिर ठुस हो जाती है। होता हमेशा ऐसे ही है, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं बस बड़ी एनर्जी के साथ जाती हूँ, आज मैंने ये करना है वो करना है, और जब वापसी आती है तो ठुस हो जाती है। तो अभी अभी मैंने नाश्ता किया है, अपना पेट भर के भरपूर नाश्ता करके आई हूँ, क्योंकि वह वापसी जाते हुए फिर मुझे भूख लग जानी थी। और फिर मैं नाश्ता कभी भी स्किप नहीं कर सकती, मैं हमेशा से बचपन से ही शायद यही रूटीन है, अगर मैं नाश्ता किया बिना इवन के डॉक्टर के पास मैं जाया करती थी तो मुझे इतनी वीकनेस हो जाती थी, इतनी वो गर्दन के पीछे और कंधों में जो आपको होता है ना, आप टायर्ड हो जाते हैं, वो मेरे साथ अभी भी ऐसे ही होता है। नाश्ते के बगैर मैं घर से नहीं जा सकती, और नाश्ता मेरा भरपूर किस्म का होता है। तो चलें फिर अभी जाकर किसी मार्केट में आपको कोई क्लिप दिखाऊंगी। सांस भी फूला हुआ है क्योंकि साथ चल रही हूँ ना पैदल, तो बोल भी रही हूँ। बस या ट्राम का सहारा मैंने आज नहीं लिया, मैंने सोचा चलो पैदल जाती हूँ और फिर थोड़ी सी कैलरीज जो है वो भी इसी बहाने जला ली जाए, वरना तो निकलने पे दिल ही नहीं कर रहा होता। अच्छा, मेरा ये देखे फिटेक्स फॉर ऑल ऑफ अस, ये जिम है, हमारे घर के बिल्कुल पास है। और कभी क्रॉस कर रही थी, सोचा आगे चल के आप लोगों से बात करती हूँ। ये मुझे हार्डली अभी 2 मिनट हुए हैं अपने घर से निकले हुए और मैं बिल्कुल जिम के पास आ गई हूँ। और कभी फिर अल्लाह ताला मुझे पार्टनर दे गई जिसके साथ मैं जिम जो है वो ज्वाइन कर सकूँगी। करना तो है मैंने, लेकिन आप देखें कब करती हूँ। ज़्यादा जो वेट्स अप हो तो मैंने जिम के बिना ही अपना गिरा लिया, लेकिन फिर भी ना वो मुझे लगता है जो जिन लोगों के माइंड में ये बात होती है ना कि वेट 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 ना बढ़े, 1 kg भी ना ऊपर हो, उनका सारी ज़िंदगी जो पंगे चलते हैं ना, जितना गिर जाए जितना हो सके आप गिरा लें। पर देखें इन फ्यूचर हाय जिम में आऊँगी कभी। सबसे पहले आरडी आ गई है मेरे रास्ते में, मेरी क्या गलती है जो खुद आई है मेरे रास्ते में। निया आया है, क्या मैं ले सकती हूँ यहाँ पे क्या नहीं, तो यहाँ से घूम के फिर अपना सफ़र जो है ना वो जारी रखते हैं। देखती हूँ क्या कुछ है। ये रही आज की डिस्काउंट, पैन लगे में अगर तो ज़रूरत है तो ले लें, मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर रखने की जगह ही नहीं मिलती चीज़ें, मैंने कहाँ पे रखे। ऐसी मार्केट से आपको बच्चों के कपड़े और सॉक्स इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। जर्मनी में हाईनेक्स और जो गर्म पजामे पश्चिम के स्टफ में हमें मिलते हैं पाकिस्तान से, वो हमें अक्सर मसला रहता है यहाँ पे ढूंढने में। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि ये पे देखें उल्टा पेशे बोलते हैं इसको, कि ये अगर आप पहन लेना तो फिर आपको हाईनेक्स की ज़रूरत नहीं रहती। ये देखें, ये इसकी सारी इन्होंने क्वालिटी भी लिखी हुई है, ये भी बहुत गर्म होते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रहे जो आप लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, और ये बड़ों के लिए शर्ट्स भी हैं और पजामा भी। और ये देखिए स्टफ में आपको दिखा दूँ, बाकायदा और भी मिलते हैं जिसके अंदर फ्लीस की होती है, जिसका इनर जो है ना वो सारी फ्लीस होती है। यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया और कुछ भी नहीं मैंने लिया, तो आल्डी को करते हैं बाय बाय और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। वो देखे सामने मैकडॉनल्ड, देखिए फाइनली अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं हम। और ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब मार्केट लगी हुई है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम है इसका। तो अभी देखते हैं यहाँ से विजिट करते हैं क्या चीज़ अच्छी लगती है वो ले लेंगे। यहाँ पे हैं सॉक्स,
अगर बच्चों के लिए लेनी हो तो। अभी मैं आई हुई थी एक्शन मार्केट से और मैंने यहाँ से की है थोड़ी सी शॉपिंग और अभी मैं इस मार्केट से निकल रही हूँ। बच्चों के साथ कभी भी नहीं आना चाहिए, बच्चे शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करने देते। और एक दो फैमिलीज मैंने देखी हैं जो बच्चे मुसलसल रो रहे थे ना, जो औरत उनके बच्चों ने इतने ज़्यादा टॉयस लिए हुए थे और जब वो पेमेंट करने लगी तो उन्होंने सारे टॉयस निकलवा दिए और प्लस बच्चों का शोर अलहदा। पॉपकॉर्न बन रहे हैं, ये देखिए बंद गोभी का इतना बड़ा फूल और इसकी कीमत ये है 3.49 €। यहाँ पर बन रहे पॉपकॉर्न। अभी सोच रही हूँ कि इस मार्केट का रुख करूँ, रोशमान चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी तो देख लेती हूँ। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ डे एंड में जाऊँ, देख रहे थे उससे भी घूम के देख लेते हैं वहाँ पर दोनों भूख लगी तो खाने का भी इंतजाम। मेरी अम्मी का फेवरेट शैम्पू है जो लेमन फ्लेवर में और एप्पल फ्लेवर। कौन कहता है यहाँ पे गोल्ड नहीं मिलता, ये देखें डिफरेंट स्टाइल का गोल्ड पड़ा हुआ है और जो लॉकेट्स हैं। और आई गेस ये तो तकरीबन हर सुनार का ये रूल होता है कि अगर आप उन्हें कोई भी डिज़ाइन देते हैं तो वो उसके मुताबिक आपको बना भी देते हैं। और ये वाला तो हमारा टिपिकल स्टाइल है। ये सारे रिंग्स हैं, अभी मैं जा रही हूँ वापस। काफ़ी मैंने शॉपिंग की भी है, कुछ चीज़ें जो मैं सोच ही आई थी घर से माइंड बना के आई थी वो मैंने ली भी हैं और काफ़ी चीज़ें जो मिसिंग हैं। अगर आपके माइंड में हो ना कि इस मार्केट से ये है और साथ में एक और भी ऑप्शन है तो हमेशा यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। अब मैं जा रही हूँ कॉफलैंड में, फैमिली भी है और टाको भी है, 3-in-1। आज मैंने बहुत ज़्यादा मार्केट्स जो है वो विज़िट किए हैं और अब इनकी बारी है तो देखती हूँ यहाँ से मुझे क्या मिलता है। मैं जब भी निकलती हूँ ना सारी मार्केट्स देख के जाती हूँ, घूम के जाती हूँ। जाने से पहले मैं ले लूँ ट्रॉली। ओ ये बारी अपनी, क्योंकि जो मैंने बैग उठाया हुआ है ना तो मुझे थका दिया, इतना वजनी है। घर से निकली थी तो तब तो जाहिर सी बात है नहीं था, क्योंकि वैसे मैं इसे खाली करके लाई थी, अब ये फुल हो चुका है।
बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है जैकेट्स में, ये देखिए ग्रीन कलर में, ये ब्लेजर बहुत खूबसूरत, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है, 40 यूरो। ये वाली जैकेट मुझे पसंद आई है मेरे हस्बैंड के लिए, 60 यूरो इसकी प्राइस है और बहुत ही प्यारी है। शलवार कमीज पे भी आप इसको पहन सकते हैं, बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगी। और ये इसके जो इनर है इसको आप उतार भी सकते हैं, जिप लगी हुई है, आप उतार भी सकते हैं। पैंट्स के कपड़े जो होते हैं ना, शर्ट्स, वो वैरायटी यहाँ पे सबसे बेस्ट होती है। मुझे पर्सनली जेंट्स वैरायटी में टाकू के जो होती है ना शर्ट्स, वो ज़्यादा पसंद है। शॉपिंग मैंने अभी फैमिली से की है और मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे बैग में कैसे आएंगी चीज़ें, क्योंकि मेरे बैग में इतनी जगह ही नहीं है कि मैं मज़ीद कुछ रख सकूँ। तो देखते हैं, और मार्केट से भी बाहर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगाई हुई है फैमिली पे भी, उन्होंने तकरीबन 50% से भी ज़्यादा बच्चों के कपड़ों पे, बड़ों पे भी। और जैकेट्स बहुत अच्छी, इनकी बहुत अच्छी प्राइस की है, लगी हुई है 70 से कम करके 30 यूरो तक लगाई हुई है। ये तमाम की तमाम 30 यूरो की हैं। फाइनली ये वही रोड है जो मैंने आपको जाते हुए दिखाया था, और अभी मैं घर जा रही हूँ, घर के मैं बिल्कुल पास हूँ। तो आज का मेरा दिन जो था वो यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा, लेकिन आप लोग थके नहीं होंगे, मेरा थकावट से बुरा हाल हो गया। ये जो बैग है ना, उफ अल्लाह जी, इसने मुझे थका दिया है, इतना ही ओवर इतना वज़न ही हुआ पड़ा है। तो यही थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।